ठीक है, अगर आपने कोई वीडियो नहीं डाला तो पहली बार YouTube भी ये बोलता है कि आप अपना वीडियो देखो, आपकी जनता देखेगी आपका वीडियो, है ना। तो YouTube को देखो, जैसे आप खाना खाने बैठे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो बैठ के, आप खाना खा के आप बैठ रहे हो तो आपको क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है, सब्जियों की ज़रूरत होती है। अब सब्जियों को, सब्जियों से ऐसे तो खाना खाओगे नहीं। अब मान लो कोई भी सब्जी हो गई, ठीक है, सब्जी के उदाहरण में मैं आपको बहुत सारे उदाहरण अभी कभी देता हूँ, जैसे आप मान के चल लो, ठीक है, सब्जी के उदाहरण में जैसे मान लो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेजिटेबल्स, ठीक है। आप देखो, आप पक्की हुई खाओगे कि कच्ची खाओगे, देखो अगर आप एक बना मतलब अगर आप एक वो हैं क्या बोलते हैं रसोई घर में अगर आप बनाने वाले अगर कोई हैं आप, तो आप बनाओगे ना चीज़। आप पहली बार तो आप गलतियां करोगे, पहली बार हो सकता है आपने ख़रीदने में ही अगर गलती कर दी सामान को, मतलब बाज़ार गए आपने कहा यार ये सामान लेना है, तो आपने ये सब तो ले लिया, पर आपने कहा यार हमने खीरा नहीं लिया, ये क्या बोलते हैं इसको क्या वो इसको हाँ कैरेट कैरेट यानी कि हमने जाने दो बाद में बताऊँगा ये सब, हमने गोभी रह गई या कुछ प्याज रह गया और आपने ऐसी सब्जी बना दी, तो वो सब्जी का चला जाएगा। ओके, तो ऐसे नहीं करना आपको, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे आप सब्जी बना रहे हो उसी तरह YouTube देखो, खाओगे नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे, है ना। तो खाना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसी तरह YouTube अगर आप एक चैनल खोलते हो तो YouTube चैनल के संदर्भ में बता रहा हूँ बात, कि अगर आप एक YouTube चैनल खोल रहे हो तो आपको YouTube पे आपको क्या करना है, आपको YouTube पे करना ये है कि बस आपको एक वीडियो डालना है। ओके, आपको रोज़ एक वीडियो डालना है। देखो खाना आप दिन में 3 बार खाते हो, उसी तरह YouTube पे भी आपको दिन में 3 बार काम करना है, या आप जो है एक बार भी काम कर सकते हो तो चलेगा, 2 बार भी कर सकते हो तो वो भी चलेगा। ओके जी, हर तरह से चलेगा ही चलेगा। आप चाहे एक बार काम करो YouTube पे, मतलब एक वीडियो डालो पूरे दिन में, या आप 2 वीडियो डालो पूरे दिन में, है ना, या आप जो है 3 वीडियो डालो, ठीक है, या आपके ऊपर है कि भाई कितने वीडियो आप डाल रहे हो। ओके, आपको वही मैं बात बता रहा हूँ कि भाई मगर आपको कम से कम रोज़ एक वीडियो डालना है। ओके भाई, YouTube पे अगर काम करना है तो देखो, जैसे एक और उदाहरण देता हूँ कि मान लो आप गए क्या बोलते हैं, ठीक है मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो आप पानी पी रहे हो, ठीक है, अब एक भी दिन आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप जो है प्यास बुझाने कहीं तो जाओगे, है ना। अब वो अलग बात है यार, यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा मैं कि जैसे भाई किसी लड़की की प्यास बुझानी है, वो बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ठरकीपन मत दिखाओ यार, मैं मजाक कर रहा था बीच में, थोड़ा हल्का बहुत मजाक तो चलते ही बीच बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं प्यास बुझाने का ये अर्थ निकलता है, तात्पर्य ये है कि भाई प्यास बुझाना यानी कि पानी को आप पियोगे, पानी पियोगे, आप पानी आप पियोगे, इस्तेमाल करोगे, है ना, मतलब आपके शरीर में मान के चलते भाई एक दिन खाना नहीं जाएगा। ओके, खाना नहीं जाएगा। ओके जी, एक दिन आपके शरीर के अंदर खाना नहीं जा रहा बिल्कुल भी, ठीक है, तो चलेगा। मगर अगर आपने पानी नहीं पिया ना अगर, मतलब तो आप प्यास से आप पूरी तरह ख़त्म, मतलब बहुत वो हो जाएगा, आप प्यास प्यासे रह जाओगे। तो पानी एक ऐसी चीज़ है, इसी तरह YouTube के अंदर भी वीडियो डालना हर दिन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे आप पानी के बिना नहीं रह सकते एक भी दिन या कुछ घंटे, उसी तरह YouTube पे YouTube चैनल है आपका कोई, ठीक है, आप YouTube पे आप बिना वीडियो के नहीं रह सकते एक भी दिन। ओके जी, यहाँ पे कई प्रकार के लोग होते हैं, जैसे मान के चल लेते हैं, एक होता है जैसे मान के चलो, एक होता है सब्सक्राइबर। ओके, सब्सक्राइबर अब क्या होता है अभी बताऊँगा आगे, पहले इस बात को पहले गहराई से समझ लो। ओके जी, अब देखो यार, अब आपको वीडियो डालना है, ठीक है। अब मान लो आपको नहीं पता है यार, आप सोचते हो बहुत मुश्किल है 8 मिनट का वीडियो डालना, 5 मिनट का, क्योंकि अगर आप बहुत सारे चैनल देखोगे YouTube पे वो करते ही यही हैं कि 8 मिनट का डालते हैं, 3 मिनट का डालते हैं। देखो आधे से ज़्यादा यूट्यूबर यही काम करते हैं, वो कम से कम या तो कुछ डालेंगे या तो कुछ कम डालेंगे। ओके,
अभी बहुत सारे यूट्यूबर है, देखो जैसे एक यूट्यूबर है ठीक है, इस बंदे को मैंने यूट्यूब चलाना सिखाया था वो अलग बात है, बात सुनो ठीक है। अब मान लो देखो यार, एकदम नए बंदे होते हैं ना यूट्यूब पे तो क्या करते हैं यार, देखो अगर अगर समय की अगर तंगी है तो मैंने आपको मना, मैं आपको मना करता हूँ यार कि आप जो है 8 मिनट का वीडियो डालो, या आप जो है मतलब 8-8 मिनट के बाद डालो, 3 मिनट का नहीं डाला तो वो भी मत डालो ओके, 3 मिनट का भी आप मत डालो ठीक है, आपको नहीं डालना वो सब भी ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है ऐसे, आपको केवल 1 मिनट का वीडियो डालना है ओके जी। 1 मिनट का आप कैसे डालते हैं, 1 मिनट का कुछ भी वीडियो चलेगा ओके। मैं भी जब नया नया आया था तो मेरे को भी नहीं पता था, फिर मैंने भी फिर कोशिश करी, खैर मेरे को आता था वीडियो बनाना तो मैंने बना लिया ठीक है। अब देखो मैं अब आपको अपना पहला वीडियो दिखाता हूँ चैनल पर जो मैंने सबसे पहले बनाया था ओके, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ ओके, चैनल पर मैंने जो सबसे पहले बनाया था वीडियो वो कितना अच्छा है और जो अभी का वीडियो है वो कितना अच्छा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। देखो पहले के वीडियो में क्या है देख रहे हो आप, मेरे को ठीक है मान लिया भाई कैमरा सही है, मैं कुछ चीज समझा रहा हूँ सिखाने वाला हूँ ठीक है, कुछ समझा रहा हूँ। अब देखो मेरा कैमरा का मेरे को कुछ समझ में नहीं है कि क्या बताना है, मैं बता रहा हूँ लोगों को है ना, बता रहा हूँ कि भाई ऐसे करते हैं ठीक है। अब नए नए लोग आते हैं वो कहते हैं यार क्या बता रहे हो कुछ समझ में नहीं यार, कोई बात नहीं, जलने वाले भी लोग होते हैं इस दुनिया में, वो ऐसे कमेंट करते हैं, खैर कोई ना, हमें कोई फर्क ही नहीं है, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ यार कि अगर आप मैं, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ मैं एकदम ध्यान से बनाता हूँ। देखो पहले वाले वीडियो में मैंने कंघी भी नहीं करी हुई, मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी हैं ठीक है, और मैंने 11 मिनट का बनाया है ओके जी। इसे मेरे चैनल पे होगा देखो 6 मिनट का आप बनाओ या नहीं बनाओ, और मैंने एडिटिंग बिल्कुल नहीं करी थी, मान के चलते हैं वीडियो को आपको एडिटिंग नहीं करनी होती तो मैंने भी एडिटिंग नहीं करी थी, मैंने कहा बनाया डालो। अब इसमें फ़र्क है इस वीडियो में है ना, क्योंकि भाई सबसे पहला वीडियो हो गई इतना बकवास मतलब ख़राब होगा, मुझे अच्छा लगता है मैं लोगों की बातों में नहीं आता। और मान लो आजकल का जैसे वीडियो है ओके, मान लो मैंने ये वाला वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले ओके, हेलो नमस्कार, एक मैंने बनाते मैं जैसे ही वाला वीडियो ओके जी, हेलो कैसे हो, अब आप देख सकते हो कि इसमें इसकी क्वालिटी काम तो दोनों का एक साथ है, मतलब एक जैसे ही है, इसकी मैंने ज्यादा इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें मैंने बहुत, ये 3-4 साल बाद का वीडियो है ओके, ये अभी का वीडियो नहीं है, 3-4 साल बाद का वीडियो तो लोगों को अच्छा लगता है ओके जी। तो भाई YouTube में अब तीन प्रकार, देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे TV पे आप सीरियल देखते हो उसी तरह